आजकल यूट्यूब के ऊपर हॉरर ब्रॉडकास्ट भरमार लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, आप लोग देखते भी हो और फिर फॉलो भी करते हो, और फिर जब आप बात करते हो उनसे तो आपसे डिमांड की जाती है 51,000 रुपए, 31,000 रुपए की, या फिर 5100 रुपए की, 3100 रुपए की, इस तरीके से आपसे डिमांड की जाती है जो कि हॉरर ब्रॉडकास्ट में बताया नहीं जाता। पर हॉरर ब्रॉडकास्ट की सच्चाई क्या है? मैं क्यों कहता हूं कि यूट्यूब जो है आज के समय हमारे युवा को बर्बाद कर रहा है, युवा को एक ऐसी गहरी खाई में गिर रहा है जिससे निकल पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, वो मेंटली टॉर्चर होते हैं, और फिर उनकी फैमिली में कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है, भूत प्रेत परचेस की या फिर जिंदगी मसानी, कोई ना कोई दिक्कत उनके साथ लग जाती है। क्योंकि हम आज के टाइम में हमारे जो कहते हैं ना कि भाई मेरा फेवरेट एक्टर कौन है, मेरा फेवरेट हीरोइन कौन है, या फिर आप किसको फॉलो करते हो, तो आज के टाइम में आप बोलोगे कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है, तो आप बोलोगे भाई मेरा वो भगत है। आज कहेंगे भाई वो भगत अच्छी बातें बताता, कई बोलेंगे भाई हम तो जय श्री राम के पुजारी है, हम तो बाबा को फॉलो करते। तो इस तरीके से आज आपके जो फेवरेट बन गए ना, वो बन गए यूट्यूबर के ऊपर जो बैठ के ज्ञान पेलते वो लोग। पर आपको किस तरीके से वो खाई में गिरते हैं वो सारी आज इस लाइव के अंदर आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे इस आज के वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। क्योंकि कल मैं भी एक इंटरव्यू देकर आया हूँ, काफी अच्छा इंटरव्यू रहा मेरा भी, उसके अंदर मैंने यही टॉपिक पे बात की है जो मैं खासकर आप लोगों से करता हूं। क्योंकि सात्विक शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है, ये मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं। क्योंकि सात्विक शक्ति का ना तो कोई तोड़ है, ना ही कोई आपको कुछ भी गलत हरकत आपके साथ कर सकता है। आज मैं आपको खुल के सारी बात समझाऊंगा, एक एक चीज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अंत तक वीडियो को देखोगे तो आज आपको क्या, आप जिनको फॉलो करके जाते हो देखते हो, क्या वो आपके लिए ठीक है, क्या वो आपको ठीक ज्ञान दे रहे हैं, या कुछ पैसों के लालच के अंदर आके हमारे यूट्यूबर भाई जो आज के टाइम में बड़े बड़े चैनल है और पैसों के लालच में आके उनका ब्रॉडकास्ट करते हैं, और ब्रॉडकास्ट करने के बाद एक डील होती है भाई जी, इस डील के पीछे का राज क्या है वो सारी आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो लेट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका प्यारा विकास दैया दिल्ली दरबार से, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अभी हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रख रखा है, जिसमें हम आने वाले समय में एक एनजीओ ओपन करने जा रहे हैं जिसमें हम अपनी गरीब बहनों की शादी करा सके, और जो भाई रोड पे सोते हैं उनके लिए खाने पीने तक काम इंतजाम कर सके। और हाँ, साथ में अगर आप बेल आइकन भी दबाते हो तो जब जब हम लाइव आएंगे, लाइव में हमसे जुड़ के आप अपनी समस्या का भी समाधान ले सकते हैं। समस्या कैसे भी क्यों ना हो, भूत प्रेत जिन मसान को बंधन, क्रिया बंधन, व्यापार बंधन, अब किसी भी प्रकार का बंधन क्यों ना, किसी प्रकार की दिक्कत क्यों ना हो, आप हमसे लाइव में जुड़ के अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली दरबार का डंका हो, संकट की लगा दे लंका हो, दिल्ली दरबार का डंका हो, संकट की लगा दे लंका हो, दरबार निराला सारे जग ते प्यारा, सारे भूत प्रेत होवे दूर, बालाजी ऐसी कृपा कर दे जीते जी। मैंने आज ये टॉपिक क्यों उठाया कि ब्रॉडकास्ट जो आप देखते हो तो आपको पागल बनाया जा रहा है, कुछ पैसों के लालच में आपकी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है, मैंने क्यों ये टॉपिक उठाया तो इसके पीछे की सारी सच्चाई बताता हूं। कल मैं एक इंटरव्यू देके आया, काफी अच्छा इंटरव्यू हुआ, नया चैनल था, काफी अच्छे व्यू भी थे, 6,000 कुछ 7,000 उनके सब्सक्राइबर थे, पर उन्होंने मेरे से जो क्वेश्चन किए जेन्युइन क्वेश्चन थे, जेन्युइन हमने बातें की, जेन्युइन सारी चीजें की, तो मेरी एक इच्छा जागी क्यों ना हम किसी और भी चैनल पर जाके ब्रॉडकास्ट किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और बताया जाए। तो फिर मुझे इन ब्रॉडकास्ट चैनल की सच्चाई सामने आई भाई, मैं एक दो चैनल पे गया, मैंने उनसे बात की, कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझसे क्या डिमांड करते, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा भाई किसी के भी, वरना पता है कई ना कई लोग उंगली करने वाले बैठे ही रहते हैं, तो भाई मैं स्क्रीनशॉट आपको जरूर दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट देख लेना। तो उन्होंने मेरे को डिमांड क्या किया भाई, आपका 1 घंटे का ब्रॉडकास्ट होगा जिसके लिए आपको चार्ज करने होंगे 1.5 लाख रुपया, 1,20,000 रुपए का उन्होंने मेरे को बोला कि आपको देने होंगे हमें जब हम आपका ब्रॉडकास्ट करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे और आपके चैनल को दुनिया तक पहुंचाएंगे और आपकी बात को दुनिया तक हम पहुंचाएंगे। मैं देख के हप मान गया, दूसरे चैनल पे गया, दूसरे चैनल से बात की, उन्होंने मेरे से 70,000 रुपए मांग लिए। मतलब बात क्या होती है ना, जिसके जितने सब्सक्राइबर, मान के चलिए किसी के 10 लाख सब्सक्राइबर है तो भाई वो आपसे 1.5 लाख रुपए मांग रहा है, किसी के 5 लाख सब्सक्राइबर है वो आपसे 70,000 रुपए पैसे मांग रहा है एक इंटरव्यू देने के। पर इसके वो दूसरी बात भी होती है, अगर आप जिस चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हो, जिस चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हो उसके सब्सक्राइबर 1 लाख है, और जो इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है उसका कोई फेम है, नेम है, तो वो इंटरव्यू फ्री भी होता है। क्यों फ्री होता है? क्योंकि उस फेम के चक्कर में हमारे यूट्यूब पे लोग बाग आएंगे, जुड़ेंगे और उनसे हमें भी फायदा होगा। जो नया यूट्यूबर है या फिर नई कोई कोई भगत है जो अपने प्रचार करना चाहता है, उससे चार्ज लिया जाता है। आज के टाइम में यूट्यूब के ऊपर आपको कितना लोग बता रहे हैं भाई, शमशान में जाके आप रोटी पका लो, शमशान में जाके बैठ के आप साधना कर लो,
आप भाई सौ साधना कर लो, आप अपने घर में मंत्र जाप कर लो। और जो लोग ये कार्य करते हैं YouTube से देख के, क्योंकि भाई आज के टाइम में हम एक अच्छे अच्छे भगत है, यूट्यूब पे बोलना हर कोई बोल सकता है, हर कोई बता सकता है, पर क्या वो उसके पीछे की सच्चाई बताते हैं? YouTube ब्रॉडकास्ट कैसे होता है पता है? मैं कल देख आया पहली बार तो मुझे भी पता लगा, पहले पूरी प्लानिंग होती है, स्क्रीन प्ले होता है कि मैं आपसे क्या क्या क्वेश्चन करूंगा, उसके क्या क्या आप आंसर दोगे और क्या क्या आप सारी चीज बताओगे। तो हमारा टॉपिक तो बिल्कुल क्लियर था, सात्विक के बारे में बताना, सात्विक करना है, तो उन्होंने मुझसे सात्विक की ही बात की। टारगेट क्वेश्चन क्या होता है कि भाई अगर आपको कोई भगत कह रहा है, कोई भगत हमें समझा रहा है, आपको यूट्यूब पे बैठ के समझा रहा है, उसका अपोजिट क्वेश्चन करना यूट्यूबर का फर्ज है, टारगेट क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं। पर कोई यूट्यूबर टारगेट क्वेश्चन नहीं करता, उसकी हाँ में हाँ रखता है, हाँ जी आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, और आप उसकी बातों को सुनते हो और उसकी बातों को समझते हो। क्यों समझते हैं? क्योंकि जो यूट्यूबर इंटरव्यू ले रहा है ना उस बंदे का, सामने वाले का, उसने अच्छा खासा चार्ज लिया भाई जी, वो उसकी बुरी चीजों को नहीं बताएगा, और क्या वो ज्ञान दे रहा है वो सच में ठीक है या गलत है ये भी नहीं बताएगा। मैं इसलिए भाई सात्विक और तामसिक के लिए ऊपर मैं लड़ाई करता हूं, फाइट करता हूं, क्योंकि साधना करनी सबके बस की बात नहीं है भाई। मैं आपको बताता हूं, जो लोग सिद्धि करते हैं, साधना करते हैं ना, उनकी तबीयत बीमार रहना, क्योंकि शक्ति जब उसके टच में आती है, बीमार होना सारी चीज उनके साथ होती है। पर आज के टाइम में तामसिक बोल दो, शक्ति को बुलाओ, शक्ति उसमें सात्विक आए या तामसिक आए, कोई उग्र शक्ति आए या शांत शक्ति आए, वो डिपेंड भाई इस भोग के ऊपर करता है सारा। आज आप सात्विक भोग देते हो तो सात्विक शक्ति आएगी जो आपका कभी भी गलत नहीं करेगी, पर तामसिक शक्ति का जब आप भोग देते हो, तामसिक भोग जब आप देते हो, तो आपके पास तामसिक शक्ति ही आएगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा दो बातें खाली, आज से चार पांच पहले साल पहले तक चले जाओ, कौन मां काली को मुर्गा देता था, कौन देता था? भक्तों को पता ही नहीं था, पर जब से ये यूट्यूब आया, यूट्यूब के ऊपर बताया गया कि मां काली को अगर मुर्गा देते हो, अंडे देते हो, तो माँ काली आपका मिनटों का कार्य, जो सालों का कार्य रुका वो मिनटों में कर देती है। लोग बाग देखे भी आते हैं, देखे आने के बाद उनके काम नहीं बनते, बिगड़ हो जाते हैं, दो दिन वो ठीक रहेंगे, तीसरे दिन फिर उनके घर में वो शक्ति चिंगर के आती है जिनका उन्होंने सोचा भी था, वो और हालत उनके खराब हो जाते हैं। मैं कई केस देखता हूं, सुनता हूं, जो तामसिक भोग जिनके घर में नहीं दिया जाता था वो तामसिक भोग देके फंस गए इस जाल में। अब वो भगत ढूंढ रहे कि हमारी माता को मीठे पे बना दो, हमारी माता को मीठे पे बना दो, और वो और फंसते चले जाते हैं, गंदगी में फंसते चले जाते हैं। कल का इंटरव्यू जो मैंने दिया, उस इंटरव्यू में भी मैंने यही बात की, समझाया लोगों को कि सात्विक जो शक्ति आपकी कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता कार्य कर देंगे, और कोई भी कार्य नहीं करता। अगर आपके कुल में आज तक, अगर आपके कुल में आज तक कभी भी मुर्गा मच्छी नहीं दिया गया, अंडा नहीं दिया गया ना, तो आने वाले समय में आप भी ये देने की गलती नहीं करना भाई जी, वरना आपकी कुलदेवी तो पीछे हो जाएगी, एक उग्र शक्ति आके आपके घर में विराजमान हो जाएगी जिसका आपको करना ही होगा। कुलदेवी के फायदे अनेकों भाई, आपका रोजगार चलाना, रास्ते खोलना, व्यापार में वृद्धि देना, लड़कों की नहीं हो रही संतान, संतान का सुख देना, घर का सुख देना। पर जब आप तामसिक भोग दे देते हो तो कुलदेवी पीछे हो जाती है। अगर आपको औलाद नहीं हो रही फिर भी मुर्गा दो, जब जाके आपकी औलाद होगी। अगर आपके काम धंधा नहीं चल रहा, मुर्गा दो, जब जाके आपका काम धंधा चलेगा। और सात्विक शक्ति दो पतासे, दो लोगों का भी आप भोग देते हो ना, तो माँ काली उसमें भी खुश है। अच्छा पहले मैं बताता हूँ, पहले साउथ साइड में चले जाओ, आप साउथ साइड में जाओगे तो वहां पे माँ काली का, कलकत्ते वाली का मंदिर है, तो वहां पे लोकल लोगों का खाना क्या है? पहले के लोग भाई मछुआरे होते थे, अनाज इतना होता नहीं था, खेती लोग करते नहीं थे, अपने हरियाणा साइड, पंजाब साइड खेती ज्यादा होती थी, सुनना मेरी बात, दिल्ली साइड, राजस्थान साइड खेती ज्यादा होती थी, और कलकत्ता की साइड चले जाओ तो मछली पालन ज्यादा होता था, मुर्गा पालन ज्यादा होता था, ये सारी चीज साउथ साइड में ज्यादा होती थी, वहां खेती कम थी, क्योंकि पहाड़ी एरिया थोड़ा वो था, समुद्री इलाका, तो खेती के लिए वहां जगह है नहीं, और खेती के लिए थोड़ी नमी जगह चाहिए जहाँ पे पानी भी हो, धरती के नीचे सारी चीजों पर नमकीन पानी ना हो, तो समुद्र की खेती वहां थी कलकत्ता साइड, तो वहां खेती मुश्किल थी, खेती अपने उत्तर भारत में होती थी। अब उत्तर भारत में जितने भी देवी देवता है वो सारे सात्विक है, मेरी बात सुनना, क्योंकि उनको सात्विक भोग लगता है, सात्विक सारी चीजें चढ़ती है। पर कलकत्ता साउथ साइड चले जाओ, वहां नमकीन पानी होने के साथ वहां मछली पालन होता है, वहां तामसिक देवता चलते हैं ज्यादातर, तामसिक देवता, माँ कलकत्ता वाली काली हो गई, नरसिंह जी हो गए, वहां पे कई वीर वैसे चलते हैं जो तामसिक पे चलते हैं, कई उनके भैरव देवता है वो भी तामसिक पे चलते हैं, क्यों? क्योंकि वहां का खाना ही वो था, वहां का खाना ही वो था, वो कुछ और जानते ही नहीं थे मछली खाना। अब तो भाई फैसिलिटी ज्यादा हो गई, अब तो फैसिलिटी ज्यादा होगी भाई जी, कलकत्ता में भी हर तरह का आपको मानसून देखने को मिल जाएगा, हर तरह का व्यक्ति देखने को मिल जाएगा, गाड़ी घोड़ा देखने को मिल जाएगा, पर पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो लोग बाग जो बनाते थे अपने भाव से चढ़ा देते थे, खिला देते थे माई पे। और अपने उत्तर भारत में रोटी बनती थी, दलिया बनता था, आपने देखा होगा यहाँ पे सीते साले बनाई जाती है, जिसको हम बासी खाना कहते हैं, शीतला पे भोग लगा के आते हैं। कलकत्ता में वो त्योहार नहीं बनाया जाता भाई, यहाँ के रीति रिवाज अलग है, कलकत्ता साउथ साइड चले जाओ वहां के रीति रिवाज अलग है,
पर आज के टाइम भगवान ने अगर हमें एक ऐसे घर में पैदा किया ना कि तुझसे सेवा चाहिए, मुझे तुझसे सेवा चाहिए सात्विक में, और मुझे कोई वो नहीं करना, तो सात्विक सेवा में के लिए आपको बनाया। और आप तामसिक सेवा में जाते हो, तामसिक भोग लगाते हो, तो आपके घर का नाश निश्चित है भाई। आपको एक बात समझाऊं, अब आपके दो औलाद है भाई, आपके दो लड़के हैं, एक लड़का 10 साल का, एक लड़का 5 साल का है। एक लड़का 10 साल का, एक लड़का 5 साल का। आपने किसी दुकान से जाके एक आटे का कट्टा ले लिया और एक किलो चीनी ले ली, एक 5 किलो का आटे का कट्टा ले लिया, एक किलो चीनी ले ली। अब आप कौन से बच्चे को क्या पकड़ाओगे? जो 10 साल का बच्चा उसको 5 किलो का आटा पकड़ाऊंगे, जो 5 साल का लड़का उसको 1 किलो की चीनी पकड़ा दूंगे, या ये करोगे जो 5 साल का लड़का है आपका उसको आप 5 किलो का आटे का कट्टा दे दोगे या 10 साल के को 1 किलो चीनी दे दोगे, तो उल्टा हो गया ना। तो भगवान को पता है हमें जिस घर में पैदा किया है, हमें जिस उसमें पैदा किया, तो उन्हें पता है कि मुझे इस लड़के से क्या सेवा लेनी है, क्या कर्म करवाने हैं। पर आज हम उन कर्मों को छोड़ के, अपनी उस सेवा को छोड़ के, भगत ने कह दी भाई तुझे तो तामसिक भोग देना पड़ेगा, तो तुम दे के आते हो, भगत के पैरों में जाके गिरते हो, रोते हो, गुड़गड़ाते हो, भाई पैसा मैं भी लेता हूं, मैं तो खुल के कहता हूं भाई लेता हूं, मैं किसी के झूठ तो नहीं बोलता, की तरह लो भाई आ जाओ, मैंने ये साधना कर ली, मैंने ये सिद्धि कर ली, मैंने वो कर दिया। अरे भाई आपको बताऊ, पैसा लेता हूं ना तो लोगों की भसड़ भी है, पूरा दिन फोन बजता है, पूरा दिन सारी चीज करते हैं, किसी का फोन ना उठाओ, भगत जी आप में तो एटीट्यूड है, फोन नहीं उठाते आप, किसी का फोन उठा लो, भाई जी मेरे पास, अच्छा मेरे पास ऐसे भी है जो बहने कहती भाई हमारे पास पैसे नहीं है, मैं जब भी उनको कहता हूँ बहन आप ये काम कर ले आपका ठीक हो जाएगा, संकट की तो मैं गारंटी लेता नहीं, क्योंकि उसमें सामग्री भी लगेगी, सारी चीज होगी, उसकी तो मैं क्यों गारंटी लूंगा भाई। और कई लोग ऐसे होते हैं भाई, एक बार आपने पूछा ले लिया, पूरे दिन रात तक फोन करते रहते हैं, रात दिन फोन बजता रहता है, मेरा एक ही नंबर से फोन बजता, बात कर ली, बता दिया, फिर भी फोन पे बजता रहता है, क्यों? क्योंकि भाई टेंशन बहुत ज्यादा रहती है। फोन आप देखोगे मेरा पूरे दिन के अंदर 50-60 मिस कॉल डेली की पड़ी रहती है, डेली की 50-60 मिस कॉल मेरे फोन में पड़ी रहती है कि भाई ये बता दो, वो बता दो, अलग अलग नंबर से। कई बार भाई मैं लैट्रिन में जा रखा हूँ, बाथरूम में जा रखा हूँ, जब भी फोन बज रहा है, अपना कोई काम कर रहा हूँ फोन में, जब भी मैं इरिटेट हो जाता हूँ फोन बजने लग रहा है। एक बार समझा दिया, लोगों को भ्रम ज्यादा भाई यूट्यूब से देख के, भाई आपके घर में तो सुख की मसानी बैठा दी, आपके घर में तो भूखी मसानी बैठा दी। आज आप 10 भक्तों के पास चले जाओ, 10 भक्तों की अलग अलग बात होगी, तेरे घर में तो भाई मसानी है, दूसरे के पास पहुंच जाएगा तो भाई तेरे घर में तो भूखी मसानी है, तीसरे घर में जाएगा भाई तेरे घर में तो सुखी मसानी है, वो भाई चौथे घर में जाओ भाई तेरे घर में तो कोई मरी और लुगाई है, यही चीज सुनने को मिलती है आपको। अरे इलाज करवाने लग जाते हैं, इलाज के लिए आप पैसा भी खर्च करते हो, सारी चीज करते हो, उसके बाद भी आपका इलाज नहीं होता, क्यों? क्योंकि भ्रम ज्यादा फैला दिया भाई, भ्रम ज्यादा फैला दिया। सबसे पहले हमें अपने मन से डर को निकालना होगा कि हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटी हैवी भी हो सकती है। नेगेटिविटी आपके डर के साथ खेलती है भाई, आपको दिख जाएगी, सामने बैठी दिखी, ओह दिख गई भाई मेरे घर में तो भूत प्रेत, आप डर जाओगे, आप इधर उधर भागने लग जाओगे, पूजा करने उसको और वो मिले मजा आएगा, क्योंकि नेगेटिविटी को इंसान को डरा के मजा आता है। पर जहां पे आप भगवान के चरणों में जाके लेट जाते हो ना, भगवान मन ना बचा ले, आज नहीं सुनेगा, कल नहीं सुनेगा ना, तो परसों वो जरूर सुनेगा। अगर मैं बताऊं आपकी, भगत सुने ना सुने, आप जिसके पैरों में लौटते हो इन्होंने सुन ली ना, उस भगत की भी खाट खड़ी कर देंगे अगर इलाज नहीं करेगा तो। मेरी बात सुन लो, आज मैं आपको बताता हूँ, आप जाओ किसी भगत के पास, भगत जी मेरा इलाज कर दो, भगत जी मेरा इलाज कर दो, और भगत इलाज नहीं करता, आपसे मजे लेता, सारी चीज करता है, पर भगत को छोड़ के आप दरबार में जा रहे हो, किसी दरबार की शक्तियों को नमन करो, उस दरबार की शक्तियों में अपने आप को बात करो, अपनी प्रार्थना करो, अपने रो बैठो, उन शक्तियों से बातें करोगे ना, तो भगत को दंडा कर देगी शक्ति, इसका काम कर, इसका काम कर, इसका विश्वास है हम पे, इसका काम कर, वो शक्तियां बार बार बोलेगी, पर नहीं, हमें तो भाई भगत के पैरों में पड़ना है। भगत ने कह दिया भाई तू मेरे लिए एक दारू की बोतल ले गया, 2 सिगरेट ले गया, भगत कहेगा चल भाई पेशी ले ले, खुद 2 सिगरेट टांगली में लगा, एक दारू की बोतल, ओहो ऐसे ऐसे करके भाई आपको खूब पागल बनाएगा, और आप जय बाबा की, जय बाबा की, जय माता की, जय माता की, आप यही करते रहोगे भाई। पहले ये तो देखो भाई, माता चाहती क्या आप लोगों से, माता ने कहा क्या है, माने आके आपके, अच्छा आपको एक बात बताऊं, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक केस मेरे पास एक केस था, और वो केस मैं बताता हूँ, एक के शरीर में भगत था, वो लड़का, माँ काली आ रखी है, और एक जो दरबार में आ रखी है संगत, उसमें माँ काली आ रखी है, अब कह रही है तेरे को मैं जब खोलूंगी, जब मेरे अंदर मेरा मुर्गा दे देगा, भगत के अंदर आ रही है माँ काली है, भगत कहता है मैं तेरे को जब खोलूंगी, जब तू मेरा मुर्गा दे लेगा उसके परिवार को, और उस लड़के जो लड़की थी ना परेशान थी, उसके अंदर भी माँ काली आ रही है, अब वो कहते हैं मैं मुर्गा लेती नहीं, मैं सात्विक में चलती हूँ, इनके घर मुर्गा मैं कैसे चढ़वा दूं, इनके घर से मैं कैसे चढ़वा, तो भगत की माँ जो भगत के अंदर आ रखी है, जो शिष्य था उनका, उसके अंदर जो माँ रखी है, अब उसमें से माँ कौन सी है, पहले एक बात बताओ, एक समय में 2 जगह शक्ति आ रखी है, एक समय पे 2 जगह शक्ति आ रही है, इसके अंदर भी माँ काली, इसके अंदर भी माँ काली, ये माँ काली कह रही है मैं तेरे घर की रक्षा जब करूंगी, जब तू मुझे तामसिक भोग देगा,
और इसमें जो मां रखी कहती है मैं तामसिक भोग देने नहीं दूंगी, मैं इस घर में सात्विक में चलूंगी, तो अब ये बताओ कौन सी मां सच्ची है भाई, अब ये बताओ मुझे। तो वही चीज मैं कह रहा हूं, अगर आपके घर में अगर आज तक तामसिक भोग नहीं दिया गया ना, तो आगे भी देने की गलती मत करना, क्योंकि जो ये है ना ये योगनिया है, इसके अंदर अलग योगनी चल रही है, आपके परिवार के हिसाब से आपको एक योगनी मिली हुई है जो आपकी कुल की देवी के आशीर्वाद से मिलती है, तो वो योगनी जो आपको मिली हुई है वो सात्विक मिली हुई है, और उस सात्विक योगनी को अगर आप तामसिक में कन्वर्ट करते हो तो कन्वर्ट करने के बाद क्या आता क्या नहीं आपको भी पता है। आजकल भाई कई हमारे भाई है जो भाई थाईलैंड जाके लड़की बन के आ जाते हैं, पर वो लड़की पूरी तरीके से बन नहीं पाते, ना ही वो लड़का बन पाते पूरी तरीके, और बीच के बीच में रह जाते हैं, फिर उनको कहते हैं भाई इसका तो टेस्ट ही चेंज हो गया, कई ऐसे वो होते हैं भाई जी। तो आप क्या हो गया, आपका टेस्ट तो था सात्विक, आप तामसिक में चले गए, ना तो आप पूर्ण रूप से तामसिक हो पाते ना ही सात्विक हो पाते, गाड़ी आपके बीच में लटकी रह जाती है और आप भक्त के पास जाते हो, जी हमें तो भगत ने पैसा दिया था, भगत ने दिला दिया, अरे दिमाग आपका था। अब आपको एक चीज और बताऊं, कुछ अच्छा हो जाए तामसिक देने के बाद तो क्या बात है, माँ काली ने हमारा अच्छा ही अच्छा कर दिया, हमारा घर भर दिया, और कुछ बुरा हो जाए भाई हमने तो अंडा भी दे लिया, मुर्गा भी दे लिया, दारू भी प्याली, माँ काली हमारी सुनती है ना, वरना ब्लेम किसको करना, ब्लेम करना भगवान को ही, माता को ही। पर कोई लोग ये नहीं बोलता भाई गलती मेरी थी, माता रानी ने भलाई सोचा होगा हमारा, सारी चीज क्या होगी, हमें हमारी समझ थी भाई, वो जो हमने दे दिया गलती मान ली। कभी भी आप अपनी गलती नहीं मानते, इंसान कभी इतना बड़ा मूर्ख है वो भगवान के सामने जाके भी ये बोलता है अरे माँ तू मेरी नहीं सुनती, मैंने तेरे को क्या नहीं दिया, मैं तेरे को हलवा खिलाया, पान पेड़ा खिलाया, मुर्गा दिया, अंडे दिए, तूने जब भी मेरे कार्य नहीं किए, भगवान को ही कोसने लग जाते। कोई ये नहीं बोलता ए माम मेरे को मूर्ख था, नादान था, मुझसे गलती हुई, ना समझ में हो गया मुझसे ये कार्य है कि मैंने तेरे को अंडा चढ़ा दिया, मुझे पता नहीं था तू अंडा नहीं खाती और मैंने फिर भी दे दिया। वो माँ काली कहेगी चल बेटे ने गलती तो मानी, पर हम उल्टा करते आज के टाइम पूजा, माँ काली मैंने क्या नहीं किया, मैं तेरी पूजा करते 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, तू मेरी नहीं सुनती, मेरा नहीं वो करती, पता ना माँ काली तू क्यों नहीं करती मेरा काम, ऐसे करते हैं लोग, अब ब्लेम करने लग जाते हैं माँ को। अरे यार एक बात बताओ, आज मैं तेरे तय कह दू, आप अपनी पत्नी से कहना, आज घर जाके अपनी पत्नी से कहना, जो पत्नी है वो अपने पति से कहना, अपने पति से अरे तूने कर क्या दिया मेरे लिए, करता क्या है तू, वो पति को लगेगा जिसके लिए मैं कमाता हूँ, जिसके लिए मैं रात दिन कमाता हूँ, वही मेरे को कहते तूने कर क्या दिया मेरे लिए। और जो पति है ना वो अपनी पत्नियों से कह के देखना कि तूने कर ही क्या दिया, तो वो बहने सोचेगी मैंने क्या नहीं किया, मैं इसके बच्चों को पाल रही हूँ, घर में खाना बनाती हूँ, जब आता है इसके लिए रोटियां बना के देती हूँ, बुरा लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा भाई सबको बुरा। उसी टाइम आप माँ को कहते हो तूने करा क्यों नहीं मेरा काम, मैं तेरे को मुर्गा भी दिया अंडा भी, अरे भाई गलती किसकी है, याद हो माँ तो वहीं रुकी भाई, जब आपने मुर्गा दिया अंडा दिया माँ तो पीछे हट गई ना, अब माँ की योगनी आ गई, माँ के साथ दो शक्तियां चलती है, डाकनी साकनी, जो माँ काली की एक तरफ होती है दूसरी तरफ डाकनी, दूसरी तरफ साकनी होती। जब आप माँ काली को ये चिप भोग लगाते हो ना मुर्गे मच्छमती का, तो वे शक्तियां आगे हो जाती है डाकनी और साकनी, माँ काली पीछे हो जाती है। जब माँ काली पे सात्विक भोग लगाते हो आप हलवा खीर पूरी का, तो वे दाकनी साकनी साइड में हो जाती है, माँ काली स्वयं आगे भोग स्वीकार करती है आपका। पर एक चीज और आपको बता देता हूं, अगर माँ काली इतनी ही खून की प्यासी होती रक्त बीज को मारने के बाद कि माँ काली कहे मुझे तो बलि चाहिए ही चाहिए, तो वो माँ काली थी जब माँ ने अपनी गर्दन काटी थी, अपनी योगनियों को खून पिलाया था अपना, और वहां से माँ सन्मस्तिका कहलाई थी भाई, 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या सन्मस्तिका, और उसका इतिहास देख लेना, माई रानी का है माँ काली का ही रूप, किसी ने 10 विद्याओं ने अलग अलग जन्म नहीं लिया, अलग अलग अवतार नहीं लिया, एक ही माँ काली थी जिन्होंने अपने रूप दिखाए अलग अलग, 10 तरीके की 10 तरह की शक्ति अलग अलग दिखाई, 10 शक्तियों की अलग अलग महिमा दिखाई, पर सबसे बड़ी शक्ति माँ काली माँ पार्वती, अगर आपने इनको सिद्ध कर लिया तो 10 महाविद्या जिनको आप मानते हो अपने आप ही आपके साथ सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि माँ काली सात्विक तरीके से चलती है, सात्विक पूजा ही स्वीकार करती है। आज के तरह में मेरे अंदर माँ काली आ रही है तो भाई मैं अपनी माँ से भी पैर छुआ लूं, क्या माँ काली ये कहती है भाई मेरे अपनी माँ से पैर छुआ लूं, मेरी माता बहने ऐसी है जिनके अंदर माँ काली आती है उसके पति उनके पैर छूते हैं, क्या माँ काली ये कहते रहे माँ काली तो वो थी जब शिव जी के ऊपर पैर आ गया था तो पीछे हट गई थी, अरे उसको पता है रिश्ता कैसे नहीं बाया जाता कैसे नहीं। और कई मेरी माता बहनों में आज माँ काली आती है तो अपने पतियों से पैर छुला देती है, छू वरना तेरे घर का नाश कर दूंगी, मजाक बना रखा है। अगर आप मेरे साथ इस मुहिम में मेरे साथ हो कि भाई आप मेरा साथ देना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपकी आंखें खोलने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, आपको सही ज्ञान देने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, क्योंकि अभी हमने एक सात्विक की मुहिम चला रखी है, सात्विक रहो, सात्विक भोग ही सबसे बड़ा भोग है, क्योंकि लोग बस पैसा देके अपनी चर्चा तो करवा सकते हैं पर सही ज्ञान नहीं दे सकते आपको। और भाई जी अगर आपको विश्वास है सारी चीज का हो तो चैनल को फॉलो जरूर करना, अच्छी अच्छी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, अच्छा अच्छा ज्ञान आपको मिलता रहेगा, बस जरूरत आपके साथ की, आपके विश्वास की, विश्वास करोगे तो एक अच्छा ज्ञान एक अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, हर वीडियो में कुछ ना कुछ ज्ञान आपको देके जाऊंगा, इसलिए आपके साथ की जरूरत है। तो मिलते एक नई जानकारी के साथ एक नई विषय के साथ, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर घर महादेव।